अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका अहमद कृष्ण चैनल के अंदर। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के अंदर हम डिस्कवर करने जाएंगे रिएक्ट नेटिव। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट नेटिव का स्टार्टअप लेंगे और प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम रिएक्ट नेटिव को जीरो से लेकर मास्टर तक कोर्स कम्प्लीट करेंगे। वेबसाइट के अंदर यहाँ पर अपने रिएक्ट नेटिव एक्सपो बोर्ड की इंस्टॉलाइजेशन करते हैं। ओके, तो गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है, इनिशिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको करेंगे सी, और इसको करेंगे सी टी, और जो नेम लिखा था, जो हमारा नेम था वो था लर्न रिएक्ट नेटिव। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम करेंगे npm start, और तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास रन हो चुका है। और यहाँ पर आप अपने फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा है। तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं और अपना फर्स्ट जो रिएक्ट नेटिव का बेयर ऐप है उसको हम शो करवाते हैं कि हमारे पास मोबाइल पे ऐप चल गया है। तो यहाँ से हम लिखते हैं हेलो डेवलपर्स, हेलो डेवलपर, इसकी फाइनल जवाब क्या दे टेक्स्ट। स्टार्ट Native from zero to master. Okay. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट जो हमारे पास हमने बनाया है तो वो हमारे पास रन हो चुका है, और हमारे पास जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर हेलो डेवलपर्स अलर्ट स्टार्ट प्रोग्रामिंग, तो वो हमारे पास अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फोन की स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो गाइस ये हमारे पास ऐप का फंक्शन है जो हमारे पास फर्स्ट टाइम रन होता है, रेंडर होता है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास व्यू कंपोनेंट है। व्यू कंपोनेंट के अंदर हम एक जैसे वेब के अंदर हम डेव बनाते हैं, इस तरह का एक व्यू कंपोनेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम स्पेस अलॉट कर देते हैं। उसके बाद व्यू कंपोनेंट के अंदर जो हमारे पास स्पेस है उसको हमने एक कंटेनर का नाम दे दिया कि भाई इसके अंदर जो भी चीज़ है उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगी। तो कंटेनर के अंदर हमने इसकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी 1 रख दी है ताकि ये फुल स्क्रीन पर शो हो, और इसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर वाइट रख दिया। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ, इसका मैं रेड रख देता हूँ, तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकेंगे कि जैसे हमारे पास ऐप रिफ्रेश होती है तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐप का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। अगर हम इसको इनलाइन स्टाइलिंग टेक्स्ट को भी दे सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको स्टाइल करें टेक्स्ट को, तो स्टाइल से हम टैब लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम कलर जो है इसका हम रेड नहीं रखते, इसका कलर हम रख देते हैं वाइट। तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास वाइट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ये हमारे पास टाइटल है, तो फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और फॉन्ट साइज जो है इसका वो हम कर देते हैं कोई 30। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 30 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं कोई 20 कर देते हैं। चलो इसके बाद हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास इसका फॉन्ट वेट जो होगा वो हम कर देते हैं 300, और
फॉन्ट साइज जो है इसका हम कर देते हैं जी, इसका 20 के है तो इसका हम कर देते हैं 15। ठीक है, अभी आप देख सकेंगे कि हमारे पास क्या चीज बनकर आती है। तो हमारे पास जो ऐप हमारे रिफ्रेश करते हैं तो उसके बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी तो उसके अंदर हमारे पास फॉन्ट साइज और कलर जो है वो सब चेंज हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बन के आ गया है हेलो डेवलपर, लेट्स स्टार्ट रिएक्ट नेटिव फ्रॉम जीरो टू मास्टर। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम रिएक्ट नेटिव के स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम फीचर को डिस्कवर करेंगे। तो जुड़ी रहिए अहमद क्रिएशन चैनल के साथ। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।